वालेकुम दोस्तों आप लोग कैसे हैं और हमारा कोर्स कैसा चल रहा है मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी वीडियोस आपकी चल रही हैं और प्रोग्रामिंग कैसी हो रही है अगर कोई भी आपको दुश्वारी पेश आ रही है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रबता करें तो हम प्रोग्रामिंग सीखने की वीडियो सीरीज़ ये चला रहे हैं और इसमें हम इफ कंडीशन और लूप्स तकरीबन हम पढ़ चुके हैं यानी मैंने आपसे शुरू में वीडियोस में किधर बताया था कि तीन चीज़ें अगर ये आपको सही से आ जाएं तो आप समझिए कि आपको प्रोग्रामिंग आ गई है एक सीक्वेंस एक सिलेक्शन और एक आइट्रेशन सीक्वेंस यानी कि तरतीब आपको सही आती हो पहले कौन सी चीज़ करनी है बाद में कौन सी चीज़ करनी है सिलेक्शन यानी कि इफ कंडीशन और उससे मुतलक अगर वो स्विच स्टेटमेंट जैसे होती है ये आपको आती हूँ और तीसरी आइट्रेशन आपको लूप्स वग़ैरह आते हों तो लूप्स भी हम पढ़ चुके हैं तो अभी हम दो स्टेटमेंट्स हैं जो लूप्स के जो चीज़ें हैं उसके दरमियान हम इस्तेमाल करते हैं तो आज हम वीडियो में वो सीखेंगे और अगर आपने हमारी ये वीडियो सीरीज़ शुरू से सी देखते हुए नहीं आ रहे तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी और इसलिए आप पहली वाली वीडियो से शुरू करें और यहाँ तक आएँ और साथ साथ सारी वीडियो की प्रैक्टिस करें और हमने ये ए कोड के नाम से ऐप है ये इंस्टॉल करें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा तो ये सारी चीज़ें साथ साथ करते हुए आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी और अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग जानते हैं तो फिर शायद आपको इतना मसला ना हो तो बहरहाल शुरू करते हैं और अगर ये आपने ऐप आप इंस्टॉल नहीं की हुई वी, तो वीडियो को अभी पास करें और पहले इस ऐप को इंस्टॉल करें तो ये हमारा जो हमने लास्ट टाइम काम किया था उसका प्रोग्राम है इसको एक दफा हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर मैं आपको टेक्निक एक बताता हूँ कि कोई भी नई चीज़ अगर आपको उसका नाम पता लग जाता है लेकिन आपने उसको ट्राई करना है तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है तो इसका ये है कि आप बग़ैर किसी उस्ताद के भी खुद से चीज़ें सीख सकते हैं आ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उस्ताद की ज़रूरत नहीं रहती आप जब किसी जगह फंसते हैं तो कोई सीनियर बंदा ही आपको रहनुमाई कर सकता है वहाँ से निकाल सकता है तो बहरल जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खुद से करें वो उतना अच्छा है तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक स्टेटमेंट बिफोर बॉडी लगाई हुई है यानी बॉडी से ये था कि लूप की जो बॉडी है और एक स्टेटमेंट हमने उसके बाद लगाई हुई है और ये इसी तरह ऊपर और नीचे प्रिंट हुई हैं और बीच में हमने ये कंडीशन लगाई हुई है अभी हमारे तोज्जो के मरकज़ जो है वो इसकी तरफ नहीं है तो टेक्निक जो आपको ब्रेक और कंटीन्यू स्टेटमेंट की मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि आप जो भी स्टेटमेंट ट्राई करनी है वो एक दफ़ा लूप के शुरू में लिखें उसको एक दफ़ा सेंटर में लिखें और एक दफ़ा आखिर लिखें और लूप को चला के चेक करें तो आपको खुद ब खुद चीज़ की समझ आएगी कि ये कर रहा है इसमें क्या हो क्या रहा है। तो पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं और ब्रेक वैसे लफ्ज़ से भी कुछ न कुछ हमें समझ आती है चीज़ कि ये ब्रेक करता है और देखते हैं क्या चीज़ ब्रेक होती है और इसको हम रन करते हैं और इसे इन रन करते हैं तो बिफ़ोर बॉडी और आफ्टर बॉडी लिखा हुआ आया है और लूप के अंदर जो हमने प्रिंट कराई हुई थी वो सारी चीज़ें चली गई तो इसी को अभी हम यहाँ पे इसको ख़त्म इसको कमेंट कर देते हैं कमेंट करने से आपको पता है कि इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी और दरमियान में लिखने के लिए हम एक स्टेटमेंट क्योंकि ये यह इफ़ यहाँ से लेके ये यहाँ तक इफ़ का ब्लॉक आ रहा है क्योंकि ये एल्स if यू का साथ का हिस्सा है तो एक स्टेटमेंट हम और यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमें दरमियान में जिस तरह मैं कह रहा था लिखूं तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि इसी लाइन की कॉपी एक बनाता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ जो जगह मैंने बनाई है और अभी आप देखें कि ये जब हमने कोड लिखा था तो ये इफ़ के अंदर था तो इसलिए हमने इसको इंडेंट किया था तो जब आप किसी अच्छे प्रोग्रामर की कोडिंग आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा इतना ज़्यादा ख्याल रखेगा कि जैसे ये कोई कीमती चीज़ है तो इसको हम इंडेंटेशन इसकी ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके सिर्फ़ एक स्टेप इंडेंटेशन होनी चाहिए यानी जैसे जिस जगह पे ये इफ लिखा हुआ है तकरीबन अगर आप कॉलम उसको फॉलो करें तो ये तकरीबन उसकी सीध में आना चाहिए तो ये ठीक है एक लेवल की इंडेंटेशन ठीक है क्योंकि अब ये मेन फॉर की बॉडी के अंदर आ रहा है इफ़ बी फॉर की बॉडी के अंदर ही है लेकिन इफ़ की क्योंकि अपनी बॉडी है तो इसलिए हमने इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको मज़दीद इंडेंट किया है इसके अंदर जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट आएंगे उसको हम थोड़ा सा जितने भी आपने इंडेंटेशन का साइज़ रखा हुआ है वो अपना स्टेप आगे कर दे दो स्पेसेस हैं चार हैं जितने भी इसी तरह एल्स की भी बाल्टी है यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम देखें थोड़ा सा मीनिंगफुल करते हैं इसके हिसाब से कि इसको हम क्योंकि बिफोर इफ़ है तो इसको मैं यही लिख देता हूँ बिफोर इफ़ और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो कि हम चीज़ चेक कर रहे हैं तो अब देखते हैं कि ये क्या नतीजा निकलता है इसको रन करते हैं और इन ऐप रन करते हैं और पहले आपने देखा था कि जब हमने ब्रेक को लूप के बिल्कुल शुरू में लिखा था तो बिफोर बार्डी और आफ्टर बार्डी लिखा हुआ आया था लेकिन बीच में कुछ भी हिस्सा नहीं आया था तो बज़ाह ऐसे लग रहा था कि लूप के अंदर कुछ भी नहीं चला तो यही बात ठीक है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है लूप को ब्रेक कर देती है और लूप को ब्रेक करने का मतलब यह है कि सब कुछ लूप से बाहर वो आ जाता है यानी कि लूप की जहाँ से बॉडी क्लोज़ हो रही है जैसे कि हमें पता है कि बॉडी यहाँ पे क्लोज़ हो रही है लूप की तो ये इसके बाद वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा लेकिन ये ऐसे नहीं है कि लूप के शुरू में जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको भी ब्रेक करेगा ये ब्रेक तभी करेगा जब ये एग्ज़ीक्यूट होगी पहले ये बिल्कुल शुरू में थी तो इसीलिए इसने शुरू में ही लूप की पहली आइट्रेशन में जब बॉडी के अंदर आया उसने ब्रेक स्टेटमेंट देखी तो प्रोग्राम इसकी लूप की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी वहीं पे जैसे पहली दफ़ा ये आप समझे लूप फॉल्स हो गया है जैसे वो इसके अंदर आया ही नहीं लेकिन अब क्योंकि ये उसके तकरीबन हम कह लें सेंटर में है यानी तीन स्टेटमेंट्स इस बॉडी के अंदर हैं एक ये एक ब्रेक और एक इफ की और फिर इफ के अंदर चले उसकी अपनी बॉडी है लेकिन ये इसको हम काउंट एक स्टेटमेंट ही करेंगे तो इसने किया क्या है कि जो इससे पहले स्टेटमेंट्स थी उसको इसने चलने दिया ठीक है लूप का आपको प्रोसेस तो पता है फॉर का हमने जिस तरह पीछे भी देखा है पहले ये स्टार्ट यहाँ से होता है फिर ये कंडीशन चेक होती है अगर ट्रू है तो ये फिर लूप के अंदर तब आता है और सारा अगर वो चल के लूप की बॉडी तक नॉर्मली आता है तो फिर वापस ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट चलता है फिर कंडीशन चेक होती है फिर ये अंदर आता है और ये सो so ऑन जब तक कि ये फिर फॉल्स नहीं हो जाता तो ब्रेक के केस में क्या होता है कि जैसे ही इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है वहीं से लूप की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है लूप की मजीद आइट्रेशन्स नहीं चलेंगी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बॉडी लूप की जहाँ भी बॉडी ख़त्म हो रही है उसके बाहर आ जाएगी यानी इसके बाद ये स्टेटमेंट है तो ये एग्जीक्यूट हो गई तो इसी तरह इसको अगर हम एंड पे लिखेंगे तो बल्कि मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसी को एंड पे लिखते हैं बिल्कुल एंड पे एंड पे वैसे इसको लिखने का मतलब ज़रूरत हो तो उसका जहरी बात है कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसको हम देखते हैं कि अब क्या फ़र्क पड़ेगा अब अगर आप खुद भी इसको ड्राई रन करें जो कि अच्छी प्रोग्रामिंग आपकी स्किल बनती है तो आपको साथ साथ ड्राई रन खुद करना चाहिए एक दफ़ा खुद करें फिर प्रोग्राम को रन करके चेक करें ताकि वेरीफिकेशन भी हो जाए तो यहाँ पर हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आएगी ये बिफ़ोर वाला होगा नम क्योंकि पहली दफ़ा वन है तो लेस देन टेन है यही प्रिंट होगा और हमें पता है कि इफ़ या एल्स दोनों में से कोई एक पार्ट चलता है तो फिर ये इसकी बॉडी इफ़ की यहाँ पे क्लोज़ हो रही है तो एल्स क्योंकि एल्स ने चलना ही नहीं है वो फिर एल्स की भी बॉडी के बाहर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जब इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी तो ये फिर सीधा बॉडी के बाहर आ जाएगा यानी ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक दफ़ा ये प्रिंट होगी बिफोर बॉडी वाली प्रिंट होगी और उससे पहले सॉरी बिफोर इफ़ वाली प्रिंट होगी और उससे पहले बिफोर बॉडी वाली होगी तो ये हम इसका ड्राई रन खुद किया है इसी को हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं इन ऐप रन करते हैं तो जैसे हमने ड्राई रन किया था इसकी एग्जीक्यूशन वैसे ही हुई है तो ये एक लिहाज से इस टेक्निक में थोड़ी सी देर ज़रूर लगी है लेकिन आप ख़ुद इसको तीनों पॉइंट्स पे लिख के आप सीख सकते हैं कि ये कर रहा है क्या है खुद इसको ड्राई रन करें आप समझ सकते हैं ये क्या कर रहा है तो अब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर जहाँ पे भी आएगी वो उसकी लूप की एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर देगी और प्रोग्राम का कंट्रोल लूप की बाडी के बाहर चला जाएगा तो अब हम यही प्रोसीजर कंटिन्यू के साथ करते हैं तो इसमें आप देखें मैं टैब प्रेस करता हूँ और सी ओ एन कंटिन्यू तो कंटिन्यू जैसे कि लफ्ज़ से ही पता लग रहा है कि दोबारा से शुरू करें तो इसको रन करते हैं हम तो ये हम देखते हैं कि ये बिफोर बॉडी और आफ्टर बॉडी सिर्फ लिखा हुआ है लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी बाकी वो कुछ भी नहीं आई तो बज़ाहिर अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि इसने ब्रेक वाला काम किया है ये लग रहा है जैसे शुरू में हमने ब्रेक लिखा था उस केस में भी यही हुआ था लेकिन ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ काम कर रहा है ये ये कर रहा है कि लूप की नई आइट्रेशन स्टार्ट कर रहा है जहाँ तक अगर इससे पहले कोई स्टेटमेंट्स हैं बॉडी के अंदर उसको चलाएगा जहाँ पे कंटिन्यू आएगा तो ये वहाँ पे लूप की एग्जीक्यूशन को उसकी जो आइट्रेशन चल रही है उसको रोकेगा और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए यह चला जाएगा ये यानी कि इस पार्ट पे आ जाएगा क्योंकि हमें पता है फॉर के केस में स्टार्ट यहाँ से होता है कंडीशन चेक होती है बॉडी के अंदर एग्जीक्यूशन होती है और उसके बाद अगर ब्रेक और कंटिन्यू वगैरह नहीं है तो फिर ये यह यहाँ पे कंट्रोल आता है फिर इधर चेक होता है और ये बार बार ये वाला प्रोसेस फिर बार बार होता रहता है जब तक कि ये फॉल्स नहीं हो जाता या फिर कंटिन्यू या ब्रेक स्टेटमेंट कोई वगैरह ना आ जाए तो ये ये कर रहा है कि ये फिर इसको नेक्स्ट यहाँ पर ले आता है नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए तो ये फिर प्लस प्लस होता है ये कंडीशन चेक होती है तो ये बार बार यही होती रही है तो एक लिहाज से शुरू में लिखना बिल्कुल बेकार है बिल्कुल शुरू में कंटिन्यू लिखना बेकार है क्योंकि इसने फिर लूप के अंदर एग्जीक्यूशन करनी ही नहीं बिल्कुल भी नहीं करनी तो एक लिहाज से मकसद ही फोज हो जाता है तो बहरहाल इसको हम अब हटाते हैं और अब आपको जो हमने सेंटर में लिखना है उसको और इसका आपको डिफरेंस अब सही तरह पता लगेगा तो इसको अब हम रन करते हैं इन ऐप रन करते हैं तो अब हम देखते हैं कि बिफोर इफ़ जो है क्योंकि वो उससे कंटिन्यू से पहले थी वो एग्जीक्यूट हुई है और लूप की जितनी दफ़ा इटरेशन हुई है वो उतनी दफ़ा ही प्रिंट हुई है तो ये दस दफ़ा लूप चला है क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन लगी हुई है लेस देन इलेवन तो ये इसकी एग्जीक्यूशन दस दफ़ा हुई है तो अब हम इसको यहाँ से हटा के इसको टैब देखे रह गया था मुझसे टैब आप लाजमी इस तरह इंडेंट किया करें कोड को कोड समझना आसान होता है तो आखिर में बिल्कुल कंटिन्यू लिखना भी कोई फ़ायदा मंद नहीं है क्योंकि यहाँ इसके बाद इसने वैसे भी वही काम करना है कि जो कंटिन्यू करना चाह रहा है लूप की अल्ट्रेशन ख़त्म हो के ऊपर आएगा और फिर ये प्लस प्लस वाला काम होगा फिर कंडीशन चेक होगी तो अभी हम देखेंगे कि जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट में प्रोग्राम चलाया था तो ऑलमोस्ट वैसी ही आउटपुट आएगी तो ड्राई रन भी एक लिहाज से हमने कर लिया तो, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट थोड़े से ये फ़र्क इफ वाला बिफोर इफ अली क्योंकि हमने बाद में ये स्टेटमेंट ऐड किया है तो ये बिफोर वाला लिखा हुआ वा आ रहा है बिफोर इफ अदरवाइज इसकी आउटपुट सेम शुरू में जिस तरह हमने की थी वही है जिस तरह वन इज लेस देन टेन और टेन इज़ इक्वल टू टेन ये स्टेटमेंट इसी तरह ये रिजल्ट आया था तो इस तरह हमने ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को अच्छी तरह देख लिया है इसकी समझ आपको होनी चाहिए और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से कोर्स कर रहे हैं आपके कोर्स है तो आपको अक्सर यही सवाल आ जाता है कि ब्रेक और कंटिन्यू के दरमियान फ़र्क क्या है तो आप इसका जवाब ये लिखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप की एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर देती है और आपका कंट्रोल लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है और अगर तो आपका मेन प्रोग्राम ही क्लोज़ हो रहा है तो फिर तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ही ख़त्म होगी वरना अगर और स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो चलेंगी ज़रूर तो कंटिन्यू यह करता है कि वो जहाँ पर भी आता है लूप की बॉडी के अंदर जहाँ तक उससे पहले तक जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो चलेंगी वैसे ही लेकिन कंटिन्यू की स्टेटमेंट के बाद नीचे वाली स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी और लूप की नेक्स्ट आल्ट्रेसन चलेगी तो एक और आपको मैं बात बता दूं कि ये जो ब्रेक और कंटिन्यू है ये अमूमन किसी इफ कंडीशन के अंदर आते हैं ऐसे डायरेक्ट ये नहीं लगाए जाते आप जरा ख़ुद सोचें अगर डायरेक्ट लगाएं तो उसका मकसद ही कोई नहीं रहता यानी आप फ्लो में खुद ही कोड लिख रहे हैं अगर आपने कोड उसको चलाना ही नहीं है तो लिखने की ज़रूरत क्या है मतलब ब्रेक अगर आप शुरू में लिख रहे हैं नीचे वाला कोड तो चलेगा ही नहीं नीचे वाला कोड लिखने की ज़रूरत क्या है तो ये फिर इफ के अंदर ही आते हैं तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन क्योंकि हमारे पास ये इफ पहले ही लगा हुआ है तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम फिर ऐसे करते हैं कि अब जैसे कि इसमें हमें एक स्टेटमेंट और लिखनी पड़ेगी अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन समझना चाह रहे हैं तो इसमें हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं और इसको मैं ये मैंने ज़ूम इसका ऑन किया था तीन दफ़ा क्लिक करें तो ये अभी जल्दी जल्दी क्लिक करने से ये चल पड़ा है इसको बैरल मैं अब नीचे लेके जाता हूँ और इसको मैंने लेके जाना है इफ़ के बायर यानी इफ़ और एल्स के बायर और एल्स बल्कि मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ एल्स का पार्ट मैं ख़त्म कर देता हूँ और इफ़ की भी मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ और इसको क्योंकि ये आफ्टर इफ़ है तो इसको मैं फिर आफ्टर इफ़ ही लिखता हूँ और लूप देखिए हमारा चलता है दस दफ़ा वन से ले कर टेन तक ये चलेगा और ग्यारहवीं जब इसकी वैल्यू होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और रुक जाएगा लूप तो हम ये करते हैं कि इफ अगर तो ये वैल्यू इसको हम सिक्स कहते हैं लेस देन सिक्स यानी फाइव तक वन टू थ्री फोर फाइव यानी पांच दफ़ा इसकी अल्ट्रेशन चलेगी और अभी ये ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट सारी मैं ख़त्म कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ तो आपको पता है कि एग्जीक्यूशन रुक जाती है और इसको अभी रन करता हूँ तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको ड्राई रन करें तो ये बिफोर इफ आफ्टर इफ ये भी लिखा हुआ आएगा और साथ में ये स्टेटमेंट यही सारा पांच दफ़ा आएगा लिखा हुआ इसको रन करते हैं एक्सक्यूज मी ठीक है जी बिफोर इफ़ टेन इज लेस देन अच्छा आफ्टर इफ जो है अब इसके हमने वो वो उसी स्टेटमेंट का है पहले इसको हम फिक्स करते हैं देखिए अब ये गलती है उसको हमने यहाँ पे जो बी आ रहा है उसको हमने गलत कर दिया है ये बी आर ब्रेक के लिए होता है लाइन ब्रेक तो ये गलती से हमसे बीच में कोई एक्स्ट्रा करेक्टर लिखा गया था इसको हम सेव करते हैं इसको रन करते हैं और जैसे कि मैं अंदाज़ा था शुरू आखिर में बिफोर बॉडी आफ्टर बॉडी आएगा और बिफोर इफ़ वैल्यू आफ्टर इफ फिर बिफोर इफ़ वैल्यू आफ्टर इफ और ये आपका पांच दफ़ा आना चाहिए था और ये पांच दफ़ा आया है उसके बाद क्या हुआ है कि अब देखिए ये एग्जीक्यूशन ड्राई रन इसका मैंने भी गलत किया है उसके बाद ये हुआ है कि जब छः इसकी वैल्यू हुई लेकिन लूप तो यहाँ पे ये ट्रू है ठीक है यहाँ पे आया ये प्रिंट हुआ ये चेक हुआ सिक्स इज़ इक्वल टू सिक्स ये कंडीशन फ़ॉल्स हुई तो ये लाइन इसलिए प्रिंट नहीं हुई और ये वाले प्रिंट होते रहे इसका मतलब ये है ये और ये बिफोर और आफ्टर इफ ये उसी तरह दस दफ़ा प्रिंट हुए हैं सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये पांच दफ़ा प्रिंट हुआ है ये एक दफ़ा बेशक आप दोबारा देख के कंफर्म भी कर लें और फिर हम इसमें ब्रेक और कंटिन्यू को इस्तेमाल करते हैं और देखिए पांच के बाद बाद ये बिफोर इफ़ आफ्टर इफ बिफोर इफ पांच दफ़ा फिर यही लिखा हुआ है अब हम इसमें ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ करते हैं और फिर आपको बिल्कुल सही तरह समझ आएगी तो अब यहाँ पे मैं ब्रेक यूज़ करता हूँ <coughs> और इसको आप ड्राई रन करते हैं लूप की पहली एग्जीक्यूशन आई नम में वन नम इज लेस देन ट्रू बिफोर इफ लिखा हुआ आया नम इज़ लेस देन सिक्स ट्रू और ये प्रिंट होगा नम इज़ लेस देन टेन इसके बाद हो गया ब्रेक ब्रेक हो गया तो उसका मतलब यह है कि लूप की एग्जीक्यूशन ख़त्म और इसके बाद स्टेटमेंट ये वाली है आफ्टर इफ आफ्टर बॉडी सॉरी इसका मतलब है ये आफ्टर इफ वाली स्टेटमेंट ये भी प्रिंट नहीं होगी एक दफ़ा भी नहीं होगी तो इसको अब हम रन करते हैं और कन्फर्म करते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही हुआ है बिफोर बॉडी आफ्टर बॉडी आएगा क्योंकि हम वो देख रहे हैं वो किसी कंडीशन के अंदर नहीं है तो उसने डायरेक्ट आना ही था बिफोर इफ आया है क्योंकि ये इफ से पहले था और ब्रेक स्टेटमेंट इफ के अंदर लगी हुई थी और ये वन इज़ लेस देन टेन और वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आई तो फिर लूप की बॉडी से बाहर आ गया अच्छा अभी इसको हम कमेंट करते हैं और फिर आलमोस्ट हमारी वीडियो ये ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे हम अब कंटिन्यू लिखते हैं और इसको टैब किया एक दफ़ा और ये क्योंकि फिर इसके भी बॉडी के अंदर है तो यहाँ पे अब हमने लिखा कंटिन्यू तो इसको अब ड्राई रन करते हैं बिफोर बॉडी और आफ्टर बॉडी ये तो आए आएगा ही आएगा ठीक है और ये बॉडी हो रही है लूप की बाडी की और इसके बाद ये चीज़ भी आएगी ही आएगी और यहाँ पे पांच दफ़ा पांच दफ़ा ये प्रिंट होगा नम इज़ लेस देन टेन नम टू इज़ इस तरह फाइव इज लेस देन और ये कंटिन्यू हो जाएगा इसका मतलब है ये आफ्टर इफ़ ये शुरू में पाँच दफ़ा ये नहीं प्रिंट होगा क्योंकि यहीं पे आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो रही है और हमने सीखा है कि कंटिन्यू क्या होता है लूप की आइट्रेशन जहाँ तक चली होती है वो तो प्रिंट हो चुका होता है लेकिन उसके बाद वाला हिस्सा जो कि अभी ये वाला हिस्सा बनता है ये नहीं चलता और नहीं चलता तो फिर जहरी बात है प्रिंट में भी नहीं आएगा लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन चलती है अच्छा जब सिक्स होगा उस वक्त क्या होगा ठीक है चेक होगा सिक्स इज़ लेस देन ठीक हो गया ये प्रिंट होगा यानी कि ये तकरीबन दस दफ़ा ही प्रिंट होगा और ये चीज़ चेक होगी कि जी सिक्स इज़ लेस देन सिक्स नो ये फॉल्स हो गया ये प्रिंटिंग वाला काम खत्म हो गया ये दोनों चीज़ें दो स्टेटमेंट क्योंकि बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट है इसके ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी और सीधा ये वाली स्टेटमेंट चलेगी इसका मतलब है छ पे सात पे भी यही आठ पे भी यही नौ पे भी यही दस पे भी यही और फिर उसके बाद जब ये प्लस प्लस होके ग्यारह होगा और ये फाल्स हो जाएगा फॉल्स होगा तो फिर आके आपकी ये आफ्टर बॉडी वाली स्टेटमेंट चलेगी तो इसको चले हम रन करके असल में देखते हैं तो जैसे हमें पता है कि ये बिफोर बॉडी आफ्टर बॉडी इन्होंने तो प्रिंट होना ही होना था तो बिफोर इफ मैंने कहा था कि ये दस कि दस दफ़ा प्रिंट होगा हम काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक है दस दफ़ा हो गया और मैंने कहा था कि बल्कि हमने खुद ड्राई रन आपने भी देखा है कि ये जो काउंटिंग वाला लिखा हुआ वा आ रहा है वन इज़ लेस दैन ये फाइव तक जाना चाहिए इसको हम देखते हैं वन इज़ लेस दैन टू इज़ लेस दैन थ्री इज़ फोर फाइव इज़ लेस लेसन इसके बाद नहीं आया अच्छा और इससे फिर हम देखते हैं कि शुरू में मैंने कहा था कि पाँच दफ़ा आफ्टर इफ़ नहीं आएगा वो हम देख सकते हैं ये शुरू में नहीं आया फाइव के बाद जो है ना जब आइट्रेशन चली है तो सिक्स जब वैल्यू थी वो फिर बिफोर इफ आया आफ्टर इफ आया बिफोर इफ आफ्टर एफ तो ये फिर पांच दफ़ा ये आपका आफ्टर इफ आया है तो उसके बाद जब फॉल्स हुई आखिर में फिर आफ्टर बॉडी चला है तो ये इसको हमने ड्राई रन भी किया है और एग्जीक्यूशन भी किया है। तो अब आपको समझ आई होगी कि शुरू में जिस तरह हमने बग़ैर इफ़ के लिखा था तो इसकी समझना बहुत आसान लग रहा था लेकिन अमूमन ये इस तरह सिंपल नहीं आता है ये किसी इफ के अंदर आता है और अब ये भी जहन में रखें कि ये जो अभी तो हम लूप इस्तेमाल कर रहे हैं एक इसकी बॉडी के अंदर मुमकिन है मज़ीद लूप्स हों इसको हम कहते हैं नेस्टिंग फ़ार के अंदर एक और फार आ सकता है फ़ार के अंदर वाइल आ सकता है फ़ार के अंदर इफ़ आ सकता है जैसे हमने ये इफ़ लिखा है और ये खुद जो फ़ार है ये भी हो सकता है शुरू में एक इफ़ कंडीशन लगी हो उसके अंदर फार लगा हुआ हो तो ये नेस्टिंग हो सकती है अब कितनी हद तक ये हो सकती है इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता शायद मेमोरी जितनी सपोर्ट करती है उस लेवल तक हो सकती है लेकिन अमूमन जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें अमूमन तीन चार पाँच बस इस लेवल तक नेस्टिंग होती है इससे ज़्यादा अमूमन नहीं होती लेकिन अगर प्रोग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो नेस्टिंग ये इससे ज़्यादा दफ़ा भी हो सकती है तो अभी हमारा ये यहाँ पे वीडियो पूरी हो चुकी है और ये हम आगे इनशा ताला जो हमने ये बात कही हुई है कि इन हम करेंगे एग्जांपल्स को प्रॉपर हम डिस्क्रिप्शन के साथ हल करेंगे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं मेरे ज़ेन में तकरीब पाँच पाँच के आले प्रोग्राम जहन में हैं वो हम करेंगे प्रैक्टिस होगी तभी आप जब तक ये इफ़ कंडीशन फॉर ये लूप्स ब्रेक कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी कोडिंग की तो इसलिए हम वो एक एग्जांपल बनाएंगे उसको हल करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें मुश्किल भी होती हैं कभी आपका रिजल्ट गलत हो जाता है फिर आप दोबारा से कोड में जाते हैं उसको फिक्स करते हैं तो हम आगे जो लेक्चर है इनशाला उसमें हम ये नेस्टिंग वाला जो काम है वो हम करेंगे नेस्टेड लूप जो है ना नेस्टिंग तो हमने अभी भी की है क्योंकि ये फॉर के अंदर इफ आ रहा है नेस्टिंग हो रही है जिसको लेकिन नेस्टेड लूप बोलते हैं लूप के अंदर लूप ठीक है एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है और ये अभी तक तो दो की हम बात कर रहे हैं ना ये एन यानी कहीं तक ये लेवलिंग हो सकती है जितने आपके वो हार्डवेयर सपोर्ट करता है तो अमूमा आजकल हार्डवेयर जी में रैम होती है तो आप मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये तादाद तक ये नेस्टिंग की जा सकती है तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ कमेंट में लिखें और आपके जो दोस्त यार हैं रिलेटेड जो भी बंदे हैं कंप्यूटर के उनके साथ शेयर करें इन ताला तला उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा प्रोग्रामिंग असल में समझ आएगी और जो दोस्त आईटी में दिलचस्पी रखते हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें बहुत बहुत शुक्रिया असलमैक